हेलो दोस्तों, आप लोगों को एआर की नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साउंड क्लास 9 का चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड है। आप लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं तो इस चैप्टर को जरूर देखें। इसमें फुल्ली एक्सपेंशन है विथ क्वेश्चन आंसर है। इस वीडियो को देख के आप साउंड के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। पहले से आप साउंड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। साउंड क्या है, इस चैप्टर में जानेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। आप पिछली क्लास मींस क्लास 8 में साउंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इस क्लास में भी यही पढ़ना है, बस कुछ दो से तीन टॉपिक अलग हैं। पहले क्लास 8 का जो हम पढ़े हैं इसको रिकॉल कर लेंगे, फिर डिफरेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे आसानी से समझ में आएंगे। साउंड साउंड क्या है, जैसे हम घर में बैठे हैं और मेरे दोस्त का फ़ोन आता है तो मुझे पता कर देता है कि फ़ोन आया है, लिंग बजती है। लिंग जो बजती है वो मुझे सुना देता है, वह एक साउंड है। फिर उठाते हैं, फिर बोलते हैं हेलो, ये एक साउंड है जो मेरे दोस्त के पास जाएगा, वो उसको रिप्लाई देगा और वो भी एक साउंड में हेलो बोलेगा या हाय बोलेगा, वह भी एक साउंड है। आप समझ गए साउंड क्या है। आप यहाँ से स्कूल जाते हैं, घर से जब स्कूल जाते हैं रास्ते में कई आवाज़ सुनते हैं, जैसे साइकिल का भी लिंग हो गया, काल का हॉर्न हो गया, ट्रक का हॉर्न हो गया, जानवरों का आवाज़ सुनते होंगे, पक्षियों का जैसा हाथ सुनते होंगे, कुत्ते भौंकते हैं उसका आवाज़ सुनते होंगे, बहुत सारे आवाज़ सुनते होंगे। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। साउंड ऐसे है तो है क्या। साउंड एक एनर्जी है। साउंड एनर्जी को फॉर्म करता है। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस ए सेंसेशन of hearing without there being a direct contact between the two point means यह एक एनर्जी को फॉर्म करता है जिससे सेंसेशन प्रोड्यूस होता है जो मैं सुना देता है, जैसे मैंने तो कुछ सुना दिया। यह एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है, जैसे नहीं कि हमें आपके आमने सामने इलेक्ट्रॉबिल सुना दे, हम आपसे ढूल भी कर लें इनडायरेक्ट में भी लें तो सुना देगा दो पॉइंट के बीच में, इसी को साउंड कहते हैं। जैसे आप साउंड का डिफाइन दे सकते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग विदाउट देयर बीइंग ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये कोई आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये कुछ बोलता है, इसके ईयर में सेंसेशन होता है, देखिए इसके बीच इनविजिबल ईयर प्रेजेंट है, ये साउंड इसको ढका देगा, ये इसको ढका देगा, ये इसको ढका देगा, इसके बीच इसी तरह का वेव बनता है, तब जाकर इसको सुना देता है, मतलब इसके ईयर में कुछ सेंसेशन होता है, वही का ब्रेन है ना पटा करता है क्या हुआ। यह जोड़ने की एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, बीच में डिवाइड भी हो सकते हैं, यह इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। इसी को डिफाइन किए, इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जिसे आप लिख सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है वेव। वेव क्या है, वेव क्या है, यह एक डिस्टर्बेंस है। यदि कोई मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है उसमें वेव क्रिएट होता है। जैसे हम बात किए एयर में, एयर इनविजिबल होता है जो दिखाई नहीं देता है, इसमें यदि कोई धक्का मारे क्या होगा, जिसको धक्का मारेगा, जिसको धक्का मारेगा, आपको ये दिखाई नहीं देता है। हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो आपको दिखाई दे। सपोज कीजिए सबकि ये एक लाइन है, ये लाइन में कोई आदमी इसको धक्का दे दे तो क्या होगा, ये इसको धक्का मिलेगा, ये इसको धक्का मिलेगा, ये इसको धक्का मिलेगा, ये इसको धक्का मिलेगा। सपोज इसी तरह का होता है,
जैसे आप गांव में देखे होंगे, गांव में देखे होंगे, ये एक समझिए कि एक तालाब है जिसमें आदमी बैठ के नदियों में या तालाबों में पत्थर फेंकते हैं। ये पत्थर फेंकते हैं तो कुछ इस तरह का बन जाता है। कभी आपने गौर किया ये ऐसा क्यों बनता है, ऐसा क्यों बनता है? देखिए, जब ये पत्थर फेंका तो इसमें एक फोर्स क्रिएट हुआ, ये इसको धक्का मारा, अब ये इसको धक्का मारा, लेकिन इसमें जितना फोर्स क्रिएट हुआ इससे कम हुआ, इससे कुछ कुछ कम रहता है, इसी तरह उठता है, अंत में जाकर निर्जीवर होता रहता है, मैं दिखाई नहीं देता है। इसे यह एक मीडियम हुआ जिसका डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वेव इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। देखिए मैंने लिख दिया वेव इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन मीडियम, वेव एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है मीडियम में। जैसे आप देख सकते हैं ये एक तालाब था, एक मीडियम है जो डिस्टर्बेंस हुआ इसी में, जो ये बना है इसी को वेव कहते हैं। अब वेव कितने प्रकार के होते हैं? वेव दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। वेव देखिए दो प्रकार होते हैं, मैकेनिकल वेव एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये किस बेसिक से बांटे गए हैं, किस बेसिक से बांटा हुआ है? देखिए एक वेव होते हैं जो सिर्फ मीडियम में जाते हैं, मीडियम जैसे एयर वाटर सॉलिड मतलब लिक्विड सॉलिड गैस, जो सिर्फ सॉलिड में लिक्विड में या गैस में जाएंगे। इसको अच्छे बना सकते हैं आप, देखिए इस तरह का इसको मैकेनिकल वेव कहते हैं, मतलब वैसा वेव जो सिर्फ मीडियम में ही पास होता है, मीडियम में ही पास होता है, मीडियम में पास होता है। जैसे आपने गौर किया होगा ये एक ट्रेन का पटली है, ट्रेन आने में बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रहा है कि ट्रेन आने वाला भी है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस पर कान लगा कर सुने तो इसको आवाज़ आएगी, इसका आने का आवाज़ जिसे पढ़ा चल सकते हैं, मैं इससे पढ़ा चलता है कि साउंड सॉलिड में पास होते हैं। इसी तरह मैकेनिकल मैकेनिकल वेव जो होते हैं सिर्फ मीडियम में पास होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं वो वैक्यूम में भी पास होते हैं। वैक्यूम किसे कहते हैं? जैसे स्पेस, ये हमारा पृथ्वी है, ये वेनस मार्स है, मैं अडल गला है, इसके बाद जो यूनिवर्स है हम लोग का ये एक वैक्यूम है, इसमें एयर नहीं, वाटर नहीं, गैस कुछ नहीं है, ये एक वैक्यूम है। ये कंटेनर लीजिए, कंटेनर में वैक्यूम पंप लगा दीजिए, वैक्यूम पंप, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, और इसके माध्यम से जो वेव पास हो जाए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। एग्जांपल ऐसे समझेंगे तो अच्छा समझेगा। देखिए लाइट, लाइट वैक्यूम में पास होता है, यदि कोई शीशा है, ट्रांसपेरेंट शीशा है, इसमें भिजेगा इसमें पास होगा, यदि कोई वाटर, देखिए एक पानी है, पानी के अंदर देखना है तो एक टॉर्च को मैं बालता हूँ और देखता हूँ अंदर देख रहा है, लिक्विड और गैस, गैस तो देखिए हमारा जो पिल्टी हुई है इसमें पूरा वायु में पूरा गैस है, जैसे हम टॉर्च बालते हैं तो गैस के बीच जाता है, मतलब लिक्विड गैस सॉलिड वैक्यूम सब में पाता है, बट यही बात साउंड में नहीं होता है, साउंड में सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस चाहिए, वैक्यूम में सुनाई नहीं देता है। जैसे ये एक चांद है, इसमें दो एस्ट्रोनॉमर समझते हैं ना, जो चांद पे गए हैं, ये बात कर रहे हैं,
लेकिन उधर कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों? वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, चांद पर एयर प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, ये जब बात करते हैं तो सुनाई तो नहीं देता है। देखिए जैसे लिखे हैं मैकेनिकल वेव इज दैट वेव विच नीड ए मीडियम टू ट्रेवल, मैकेनिकल वेव इज दैट वेव विच नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव है जो मीडियम का जरूरत पड़ता है, आवश्यक होता है ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होता है, एग्जाम्पल साउंड वेव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम भी सही है और एज वेल एज थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम और मीडियम दोनों में ट्रेवल होता है, लेकिन इसमें सिर्फ मीडियम ट्रेवल होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल साउंड वेव है और इसका एग्जाम्पल लाइट वेव होगा। ठीक है, इस वीडियो का एंड कट में सिर्फ इतना ही, आगे का वीडियो देखने के लिए इसका अगला वीडियो देखिए, इसका अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा, मतलब इसका अगला पार्ट देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से देखते देखते बोर ही फील होता है। अब इतना वीडियो देखिए, इतना वीडियो ध्यान समझ में आ गया, यदि समझ नहीं आया कॉमेंट कीजिए, अगला वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। और फिर से वीडियो देखिए, जितना लिखा है इसे नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको फेल करने में आसानी होगा, इसमें दोनों सुविधा दिए हैं और क्वेश्चन से जो बात है वो हम आपको आगे दे देंगे। इसका अगला टॉपिक अगला वीडियो मिल जाएगा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।